बहराइच में बुधवार को समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर समाजवादी विचारक कर्पूरी ठाकुर के जन्म के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष के रूप में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी जीवन शैली पर प्रकाश डाला गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर बिहार सरकार में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे और समाजवादी चिंतक थे। उन्होंने जीवन भर दलितों, शोषितों और वंचितों के लिए संघर्ष किया और संघर्ष करते करते आज वह हमारे बीच नहीं है। शायद इसीलिए भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। आज शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है और पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी बेहद चिंतित है। चुनाव की घोषणा होते ही हम मैदान में आकर भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। बहराइच से कुतुब अंसारी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत बड़े समाजवादी चिंतक थे, जिन्होंने समाज के दलितों, शोषितों, पीड़ितों और वंचित लोगों के लिए जीवन भर संघर्ष किया और संघर्ष करते करते आज हमारे बीच में नहीं है। उन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी भारत सरकार ने सम्मानित किया है। आज जनशताब्दी समारोह है उनकी। इसी अवसर पर पार्टी के तमाम लोग आए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। आगामी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और हम सब उनके निर्देश पर बहुत गंभीर हैं और अपने पार्टी संगठन को पूरी तरीके से मजबूत किए हैं। जिस दिन भी चुनाव घोषणा हो जाएगी, हम लोग पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए चुनाव लड़ेंगे।